नमस्कार दोस्तों दोस्तों कांग्रेस ईवीएम का मुद्दा लगातार उठा रही है चाहे हरियाणा में 20 सीटों पर दोबारा मतदान कराने की बात हो महाराष्ट्र में मतदान प्रतिशत और मतदाता सूची में गड़बड़ी की बात हो या फिर लगातार रिजल्ट्स के बाद कई जगहों से गड़बड़ी की शिकायतें ईवीएम का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है हरियाणा के रिजल्ट सामने आने के बाद भी कांग्रेस ने चुनाव आयोग से ईवीएम को लेकर सवाल पूछे थे तब भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था और एक बार फिर से जब महाराष्ट्र के रिजल्ट सामने आए कई जगहों से ईवीएम में शिकायतें आई उसके बावजूद चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया तो वहीं बीते दिन कांग्रेस ने सी डब्ल्यू सी की बैठक की सी डब्ल्यू सी की बैठक में ईवीएम को लेकर कई बातें हुई हालांकि इसके अलावा भी कई मुद्दों पर चर्चाएं की गई लेकिन खास तौर पर पर बात हुई जिसका असर देखने को मिल रहा है सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ईवीएम को लेकर के बात क्या हुई थी हरियाणा में जो हमने शिकायतें की थी बीस सीटों को लेकर इलेक्शन कमीशन ने हमें सुना पर हमारी शिकायतों का उन्होंने नजरअंदाज किया आज सुबह हमने हमारे तीन वरिष्ठ नेता नाना पटोले जी रमेश चनीतला जी और मुकुल वासनिक जी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को एक लंबा खत लिखा है सारी शिकायतें दी हैं और सोमवार को हमने समय मांगा इसके बाद दोस्तों साफ तौर पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ये कहा कि चुनाव आयोग को अपना धर्म निभाना होगा हम अपना फर्ज निभा रहे हैं हम अपना धर्म निभा रहे हैं पर चुनाव आयोग को भी अपना धर्म निभाना होगा और वो धर्म है निष्पक्ष चुनाव कराना दोस्तों जिस तरीके से चुनाव आयोग ईवीएम के मुद्दे आते ही चुप्पी साध लेता है सिर्फ कुछ बयानबाजी करके शायरी करके निकल जाता है और ये कह देता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है जिसके बाद विपक्ष पूरे सबूत के साथ अब चुनाव आयोग से मुलाकात करने का प्लान बना रहा है जब सी डब्ल्यू सी की बैठक में तमाम चीजें तय हो गई तमाम चीजों को लेकर बातें हुई खासतौर पर ईवीएम को लेकर बात हुई और ये कह दिया गया कि ईवीएम के मुद्दे पर आंदोलन कांग्रेस कर सकती है जिसके बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस के डेलीगेशन को तीन दिसंबर का समय दिया है तीन दिसंबर की शाम पांच बजे मुलाकात करने का समय दिया है और अब कांग्रेस के जो नेता है कांग्रेस का जो डेलीगेशन है वो कई सबूतों के साथ चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा उनके सामने ईवीएम के जो मुद्दे हैं वो रखेगा और बताएगा कि कैसे ईवीएम के अंदर गड़बड़ी हो रही है हरियाणा हो या महाराष्ट्र कैसे ईवीएम की वजह से जो रिजल्ट्स हैं उन पर प्रभाव पड़ रहा है हालांकि कांग्रेस की तरफ से डेलीगेशन में कौन कौन नेता शामिल होगा इसकी जानकारी तो सामने नहीं आई है लेकिन कांग्रेस की सी डब्ल्यू सी की बैठक के बाद असर ये हुआ कि चुनाव आयोग अपनी नींद से जागा और कांग्रेस को मिलने का भी समय दे दिया गया है फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है